MCD म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1958 को हुई। करंटली MCD 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। 2012 से पहले पूरे दिल्ली के अंदर में MCD सर्विस प्रोवाइड करती थी, लेकिन 2012 के बाद में MCD को सेक्शन में बांट दिया गया काम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। 2012 के अंदर में MCD के अंदर में 3 डिवीज़न कर दिए गए, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसा कि आपको पता होगा, इसी साल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन है वो अप्रैल के महीने में होने थे, मगर इसी बीच बात आ जाती है MCD रीयूनिफिकेशन बिल की, जिसको मार्च के अंदर में ही प्रपोज कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर में, जिसकी वजह से जो MCD का इलेक्शन है जिसको अप्रैल मंथ में होना था वो थोड़ा सा डिले हो गया और दिसंबर के लिए पोस्टपोन हो गया 4 दिसंबर के लिए। तो ये MCD रीयूनिफिकेशन का बिल था, ये लोकसभा से 22 मार्च को पास हो गया और राज्यसभा से 5 अप्रैल को पास हो गया। और MCD जो पहले 3 हिस्सों में बंटी हुई थी, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली, वो 22 मई 2022 को रीयूनिफाई हो गई। हमारा एंटायर MCD है ये 12 जोन्स के अंदर में डिवाइडेड है, और ये जो 12 जोन्स है छोटे छोटे वार्ड के अंदर में डिवाइडेड है। इस बार हमारे दिल्ली के अंदर में जो 4 दिसंबर को इलेक्शन होने वाला है उसमें 250 वार्ड के ऊपर में इलेक्शन होने वाले हैं। और आपको ये पता ही होगा, जो इलेक्शन इन वार्ड्स के ऊपर जीतेंगे उनको हम काउंसलर कहते हैं, हिंदी में बोले तो निगम पार्षद बनेंगे वो इन वार्ड्स के ऊपर इलेक्शन जीतने पे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा MCD है ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और लोकल गवर्नमेंट को लेके हमारे देश के अंदर में एक प्रावधान है कि जो भी इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के रिलेटेड में होते हैं हमारे देश के अंदर में, तो उसमें 1/3 जो सीट्स है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहती है। तो इस बार जो 4 दिसंबर को इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर जो 1/3 सीट्स है वो ऑलरेडी महिलाओं के लिए रिजर्व है। बात करें MCD के काम की, तो लोकल लेवल पर जो डिस्पेंसरी होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, डायरेक्टली MCD के अंडर में आते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, MCD के प्राइमरी स्कूल के बारे में आपने सुना होगा, ये भी MCD के अंडर में ही आते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स और बर्थ रिलेटेड, डेथ रिलेटेड जो भी काम होता है उन सबका रिकॉर्ड रखना है होता है इनको। इसके अलावा जो आपके इलाके के आसपास का शमशान घाट होता है वो भी MCD के अंडर में ही आता है। इसके अलावा रोड की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, बाजारों की सफाई और जो आपके स्ट्रीट लाइट होती है उसको चेंज करवाने की जिम्मेदारी भी MCD की होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट काम MCD का, जिसके ऊपर MCD टिकी हुई है और MCD का इलेक्शन कैंपेन चलता है और लोगों के नज़रों में MCD रहती है, वो है ड्रेनेज सिस्टम का मेंटेनेंस, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।